हाय फ्रेंड्स, मैं दीपाश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपाश्री कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं और अब हम इसमें बैक पार्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं 15.5 इंच और चौड़ाई हम लेंगे चेस्ट का 1/4 भाग प्लस हम 2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। और अब हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और शोल्डर हम लेंगे 3 इंच और यहाँ से हम तीरा लेंगे 7 इंच और यहाँ से भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हम चेस्ट का लेंगे 1/4 भाग प्लस 2 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर से भी हम इसे नीचे मिला लेंगे और 1/2 इंच हम यहाँ तिरछी लाइन शोल्डर का देंगे और यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आर्म होल का ड्रॉ हम इस तरह से कर लेंगे राउंड में। और अब हम गले की लंबाई लेंगे। तो गले की लंबाई हम लेंगे 9 इंच और चौड़ाई हमने जो 2.5 इंच लिए हैं वही इस तरह से लेंगे और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद अब हम टेकिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम लेंगे 4 इंच और लंबाई हम लेंगे 5.5 इंच और इस तरह से हम इसे निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ कमर का 1/4 भाग प्लस 2 इंच हम मार्जिन का लेकर निशान लगाएंगे और इसके बाद हम अस्तर को कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अस्तर की कटिंग कर ली है और अब हम इसे कपड़े पर इस तरह से रखकर 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम अस्तर को इसके ऊपर बिछा करके इसे हम कट कर लेंगे। गले को हम अभी कट नहीं करेंगे, बाकी हम सभी तरफ से कट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, चलते हैं मशीन की तरफ और आगे हम आप लोगों के साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से और इसके बाद हमने जो गले की निशान लगाए हैं उस पर हम सिलाई कर लेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं। सिलाई करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गले पे हमने इस तरह से सिलाई कर ली है और अब हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। इससे पहले जो अस्तर से एक्स्ट्रा कपड़ा है उन सभी को हम कट कर लेंगे और इस पर हम एक कच्ची सिलाई कर लेंगे। तो पहले हम सिलाई कर लेंगे, इसके बाद हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। और अब हम इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहे और आप लोगों को हमारी यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।